गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। इससे पहले हमने भाषा, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार आदि टॉपिक किए हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? हम इंग्लिश में संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। और क्या होता है नाउन? एनी नेमिंग वर्ड। एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। क्या होता है नाउन? किसी भी वस्तु का नाम। तो इसी तरह से संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु का नाम। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जितनी भी चीज़ें आप नज़र दौड़ा के देखो, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है। मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, इसका भी नाम है। सब चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो नाम क्या होता है बेटा? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। समझ आया? आप अपने चारों तरफ जो देख रहे हो, सारी चीज़ें किसी ना किसी नाम से जानी जाती हैं और उनको क्या कहा जाता है? संज्ञा। ठीक है, हम किसी को किसी की संज्ञा दे देते हैं। उदाहरण भी देते हैं हम कि जैसे कि हाँ, जैसे हम आपस में बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये बिल्कुल राम के जैसा है। ठीक है, तो हम उसको क्या देते हैं? राम की संज्ञा देते हैं। राम के जैसा बता के उसको राम की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो बच्चों संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का हमें बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, संज्ञा कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें क्रिया, काल, वचन, लिंग की वजह से उन शब्दों में परिवर्तन आ जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। ठीक है, अभी देखते हैं संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी विशेष, संज्ञा की परिभाषा हमने क्या ली थी? वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, संज्ञा होती है। वे विशेष शब्द जो किसी व्यक्ति, यहाँ पे हमने एक शब्द और लगा दिया विशेष। विशेष से क्या तात्पर्य है? जो किसी एक ही चीज़ के बारे में बताएं। क्या तात्पर्य विशेष से? किसी एक चीज़ के बारे में बताएं, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उदाहरण देखो इसके। राम बहुत लंबा है। हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगरा में ताजमहल है। यहाँ पे ये दोनों शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा किसी स्थान का नाम है और ताजमहल किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसी की जाति के बारे में पता चले। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से हमें किसी की पूरी जाति का बोध होता है, वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी एक के बारे में बात कर रहे थे, जातिवाचक संज्ञा में हम उसकी पूरी जाति की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं आपको उदाहरण दूँ, कक्षा। कक्षा किसका उदाहरण है? कक्षा में बच्चे आते हैं ना, बच्चे, एक बच्चा बोलूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कक्षा बोला मैंने, कक्षा में सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो कक्षा किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का। किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का। सैनिक, पुलिस, गाय, जैसे गाय घास खा रही है। गाय क्या करती है? घास ही खाती है ना। तो हम यहाँ पे इस वाक्य में क्या देख रहे हैं? अगर देखा जाए तो हम एक गाय की बात कर रहे हैं, लेकिन
ये पूरी जाति को दर्शा रही है कि सभी गाय क्या करती हैं, घास खाती हैं, ठीक है। घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो पूरी जाति के बारे में हमें पता चल रहा है कि घोड़े तेज दौड़ते हैं। और उदाहरण देखो इसके, पशु पक्षी, हमें पता है कि पशु को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, जिनके चार पैर होते हैं, पक्षी जिनके पंख होते हैं, तो वो अपनी पूरी जाति का हमें बोध करा रहे हैं, ठीक है। इससे आगे है भाववाचक संज्ञा, भाव क्या होते हैं, इमोशंस, ठीक है, जिनको हम शो करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उनको इनके जैसे छू के नहीं देख सकते, ठीक है, वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे हंसना, हंसना क्या है, भाववाचक संज्ञा। रोना, भूख, हमें भूख लगती है, महसूस होती है ना हमें भूख, प्यास लगती है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है कि हम उनको महसूस करते हैं। वो हम इस, जैसे हमें भूख लगती है, किसी को दिखा सकते हो आपकी भूख कैसे लगी है, नहीं दिखा सकते। खुश होना, दुखी होना, तो ये क्या है कि भाववाचक संज्ञा। आप इन अपने भाव को ना गिन सकते हो, ना नाप तोल सकते हो, तो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अभी हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा को पांच तरीके से बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का आपको पता है, वो पूरी जाति का बोध कराती हैं, वो हमारे आसपास होती हैं चीज़ें। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी पता है कि हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या करनी पड़ती है, हमें बनानी पड़ती है। सबसे पहले क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से किस तरह बनाते हैं, जैसे मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है कि हम पूरी मानव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मतलब जितने मनुष्य हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मानव से क्या बना, मानवता। भाई, भाई से भाईचारा, ये हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है और हम उससे भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, ठीक है। भाई से क्या बना, भाईचारा। भक्त से क्या बना, भक्ति, ठीक है। और भी उदाहरण देते हैं, कवि से काव्य, ठीक है। इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। इसके बाद हम, सेकंड पॉइंट है हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, मम, अहम, सव, ये सर्वनाम शब्द हैं। मम से क्या बना, ममतव। अहम से अहंकार और सव से सवतव, अपना, अपनापन या फिर अपना तव। और निज से निजता। इस तरह से हमने इन सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। इसके बाद है विशेषण। क्या है, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैंने आपको संज्ञा बताया, सर्वनाम बताना मैं भूल गई। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। और उसके बाद है विशेषण शब्द। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो विशेषण से किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, स्वस्थ। स्वस्थ से क्या बनता है, स्वास्थ्य, ठीक है। उसके बाद है लंबा। लंबा से लंबाई। मीठा, मिठाई। इन शब्दों का बेटा आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे
विशेषण शब्द ले रहे हैं या सर्वनाम शब्द ले रहे हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। सबका अपना अपना महत्व होता है। प्राचीन, प्राचीन से क्या बनता है? प्राचीनतम। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी व्याकरण में दिए गए हैं और उनसे आपको एक बार उनको पढ़ के और ध्यान रखना है किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। इसके बाद है क्रिया। क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द। क्रिया क्या होती है? जिससे हमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। क्या होती है क्रिया? जिससे हमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जागना से क्या बन गया? जागरण। ठीक है, जागना से क्या बना? जागरण। गिरना से गिर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका ना हटा के क्या बना दिया? गिर या फिर गिरा हुआ। मिलाना क्या हो गया? मिलावट। ठीक है, मिलाना से क्या हो गया? मिलावट। इस तरह से हमने क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। जागना से जागरण, गिरना से गिर या गिरा हुआ। जिस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा को वाक्य में प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मिलाना से मिलावट। लड़ना, लड़ाई। ठीक है बेटा, ये क्रिया के उदाहरण हैं और इनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। इसके बाद हम किससे बनाते हैं? अव्यय शब्दों से। हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? अव्यय शब्द। अव्यय क्या होते हैं? जिनमें क्रिया, काल, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिनमें क्रिया, काल, वचन, लिंग आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? अव्यय। थोड़ा सा ध्यान देना किस प्रकार से हम अव्यय को लिख रहे हैं। याद अव्यय है और डबल ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे समीप, इससे क्या बनेगा? समीपता। ठीक है, निकट, निकटता, शीघ्र। ये गय है, गय घर और उसके पैर में रे, उससे क्या बन गया? शीघ्रता। ठीक है बेटा, इस तरह से अव्यय शब्द मैंने आपको बताया। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जिस तरह से हम समीप को वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो लिंग वचन के कारण हम समीप का कोई और शब्द नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसकी हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था संज्ञा का। इसमें आपने क्या सीखा? संज्ञा की परिभाषा, वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के हमने तीन भेदों को जाना, कौन कौन से हैं तीन भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञा जो हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, उसके धर्म, उसकी अवस्थाओं का बोध कराती है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, फिर हमने इसके बाद भाववाचक संज्ञाएं बनानी सीखी, किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। पांच प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जातिवाचक शब्दों से,
सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। उन सब के उदाहरण हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखे और सीखे। ठीक है, आज आपको अच्छे से समझ आया होगा टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद बेटा।